भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने पहले इसराइल के सबसे बड़े सरकारी पोर्ट को खरीदा और फिर भारत में इसराइल के राजदूत रहे रॉन मालका को इस पोर्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया। जी हां, अडानी पोर्ट्स और इसराइल के गैटेड ग्रुप ने हाइफा पोर्ट कंपनी का अधिग्रहण जनवरी 2023 में पूरा कर लिया था, जिसके बाद चेयरमैन की कुर्सी का भी खुलासा अब कर दिया गया है। वहीं हाइफा का चेयरमैन बनाए जाने पर पूर्व अम्बेसडर मालका ने खुशी जताई है और ट्वीट करते हुए बताया कि हाइफा पोर्ट कंपनी के ऑफिस में बतौर कार्यकारी चेयरमैन पद संभालते हुए काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। अडानी समूह की ओर से इस नई जिम्मेदारी का स्वागत करता हूँ। पोर्ट क्षेत्र में अडानी और गैटेड ग्रुप के अनुभव और कुशलता का फायदा अब हाइफा पोर्ट को मिलेगा और ये नई ऊंचाइयों को छुएगा। बता दें, मालका साल 2018 में इसराइल की ओर से भारत के एम्बेसडर बनाए गए थे। उनका बिजनेस और फाइनेंस बैकग्राउंड काफी मजबूत है और वो MBA के साथ साथ इकोनॉमिक्स में PhD भी कर चुके हैं। खैर, ये तो बात हो गई अडानी के नए पोर्ट और नए नवेले चेयरमैन की। अब आपको इस पूरी डील की जानकारी भी दे देते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि भारत के अडानी पोर्ट और इसराइल के गैटेड ग्रुप के कंसर्टियम ने हाइफा पोर्ट के निजीकरण को लेकर जुलाई 2022 में टेंडर जीता था। वहीं $1.18 अरब के इस टेंडर को जीतने के बाद अडानी और गैटेड कंसर्टियम को 100% हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार मिला था। बता दें, ये पोर्ट इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और वहां के आधे से ज्यादा कार्गो को हैंडल करता है। दो कंपनियों के बीच में डील हुई है तो जाहिर है कि बंटवारा भी हुआ होगा। तो अडानी पोर्ट और गैटेड ग्रुप ने 10 जनवरी 2023 को इसराइल सरकार के इस पोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया था। सौदे के तहत अडानी पोर्ट्स के पास 70% जबकि गैटेड समूह के पास 30% हिस्सेदारी होगी। वहीं इस पोर्ट का कंसेशन पीरियड साल 2094 तक का है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पोर्ट की खासियत की। तो बता दें, उत्तरी इसराइल में स्थित हाइफा पोर्ट देश के दो सबसे बड़े पोर्टों में से एक है। वो पोर्ट देश के करीब आधे कंटेनर कार्गो को हैंडल करता है। इसके अलावा ये पैसेंजर ट्रैफिक और क्रूज शिप के ठहराव के लिए भी एक प्रमुख बंदरगाह है। फिलहाल इस पोर्ट पर 2 कंटेनर टर्मिनल और 2 मल्टी कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं। वहीं हाइफा पोर्ट की कुल लंबाई करीब 2900 मीटर है और साल 2021 में इस पोर्ट पर 14.6 लाख कंटेनर और 25.6 लाख बल्क कार्गो का प्रबंध किया गया था। तो अब शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पोर्ट कितना बड़ा है और इसकी अहमियत कितनी है। और अडानी पोर्ट इसका अधिग्रहण करने के बाद अपने पोर्ट बिजनेस को किस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको अडानी पोर्ट्स का ये कदम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण मित्र।